दिवस का महत्व पर भाषण देने आ रहे हैं हमारे अध्यापक जी श्री निजामुद्दीन सर। बच्चों शुभोदय। माननीय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक जी, आदरणीय प्रधान अध्यापक जी, अध्यापकगण, आप सबको मेरा हिंदी दिवस का नमन। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज इस अवसर मुझे इसलिए मिला है कि आज हम देश भर में हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस को घोषित किया गया है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में हुआ। जब से लेकर अब तक हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस और हिंदी के बारे में चंद विषय आपको बताकर मैं चुप होना चाहता हूं। हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं कि हिंदी का प्रसार करना और प्रचार करना, ये हिंदी का मोटो है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, सारे विश्व में इतनी भाषाएं बोलने वाला कोई देश है ही नहीं, फिर भी हिंदुस्तान में हिंदी हमारी राजभाषा इसलिए बनी कि हमारे 28 राज्यों में अधिक राज्य हिंदी बोलने वाले राज्य हैं। हिंद से हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान के लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हमें हिंदुस्तानी कहते हैं। तो हिंदुस्तान हमारा है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारा नारा होना चाहिए। क्योंकि भारत में जब अंग्रेजों से आजादी से पहले कई लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मगर उनमें तालमेल नहीं था, क्योंकि अलग अलग भाषाएं बोलने पर अलग अलग जगह में क्रांतिकारियां बनाई जाती थी, मगर एक जुटकर अंग्रेजों की मुकाबला नहीं कर पाते थे। एक हिंदी ऐसी भाषा है कि लोगों को सौरभ को एक धागे में बांधकर भारत की आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। और हिंदी सबसे गर्व करने की बात यह है कि पूरे विश्व में तीसरी जगह हिंदी ले ली है, पहली जगह अंग्रेजी है। 113 करोड़ लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी बात करते हैं और 111 करोड़ चाइना की मांडली आ रही है हमारी हिंदी अध्यापिका श्रीमती गौसिया बेगम जी। आदरणीय निदेशक जी और प्रधानाध्यापक जी, मेरे सह अध्यापकों और प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभोदय। आज क्या दिन है आप सब जानते हैं। आज सितंबर 14 तारीख है। इस दिन की विशेषता क्या है? हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? क्योंकि हमारे भारत के संविधान के अनुसार हिंदी 14 सितंबर को 1949 को यह राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित की गई है। ऐसा दर्जा, ऐसा गौरव केवल इतनी भाषाएं होने पर भी केवल हिंदी को ही चुना गया है। कारण क्या है? क्योंकि भारत के 75% के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और एक भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? हमारा शरीर, हमारे कितने शरीर हैं? एक ही शरीर है, लेकिन इसमें कितने अंग हैं? कई अंग हैं। सभी अंगों से जुड़कर हमारा शरीर एक बना है। इसी तरह भारत में कई प्रदेश हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबको जोड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। यह केवल राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही चुना गया है, क्योंकि अब मैंने पहले ही कह चुकी हूं 75% लोग हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस भाषा को ही
राष्ट्रभाषा चुना गया है। इस भाषा से राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है। आप सब जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन जब चला तब हिंदी के नारे लोगों में जोश उत्पन्न किए थे, सब लोगों में चेतना भर दिए थे, सब लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार बनकर घर छोड़कर सड़कों पर आकर नारे लगाने लगे, इस देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हुए। ऐसी देशभक्ति को उत्पन्न की है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। और इस भाषा सब लोगों को इस भाषा एक उत्तर में है पर्वत राज, भारत माँ का सिर का ताज, अमृत लेकर बहे नदी गंगा कृष्णा कावेरी, चर तिरंगा चरा गगन, जनगण मन सुन खिलता रंग। थैंक यू। आओ बच्चे, कविता सुनाने के लिए आ रहा है हमारा प्यारा भाई श्री साई मणिकंठा सातवीं कक्षा से। बच्चे तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो है धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, बाट बाट में हाट हाट में या निर्ला टाट है, इस मिट्टी से तिलक करो है धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। महत्व के बारे में बताने हमारे आगे आ रही है रुचिता आठवीं कक्षा एनपी से। प्रधान अध्यापक जी और मेरे प्रिय अध्यापकों, सभी को मेरा हृदय पूर्वक नमस्कार। मेरे साथियों शुभोदय, मेरा नाम डीरुचिता और मैं आठवीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। पहले आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन पूरे भारत वर्ष को जोड़ने वाली भाषा हिंदी पर गर्व करने का दिन है। आज हिंदी को पूरे विश्व में बेहद सम्मान दिया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। जिस प्रकार हमारी माँ की स्थान कोई और ले नहीं सकता, उसी की प्रकार हिंदी की स्थान कोई नहीं ले सकता। फिर से आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत प्यारा देश है गीत प्रस्तुत करने के लिए हमारी प्यारी बहन अहर्निशा सातवीं कक्षा से आ रही है। मैं आज एक कविता बोल रही हूँ, भारत प्यारा देश। भाषण देने आ रही है प्यारी बहन अरिबा चौथी कक्षा से। आदरणीय प्रधानोपाध्याय जी और मेरे अध्यापकों, उनको मेरा प्रणाम। मैं अरिबा मनाल चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर कुछ कहना चाहती हूँ। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। हम चले हैं साथ साथ डाले हाथ।